बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बैंगन के पकौड़े बना रही हूँ। बेसन मैंने लिया है 1 कप, अजवाइन डाली है 1/2 चम्मच, नमक हसबे ज़ायका, लाल मिर्च, साबुत धनिया, गरम मसाला। इसको अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लूँगी ताकि ये रोड़ियाँ ना बने। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हमें काट रही हूँ सब्ज मिर्च, प्याज 1 अदद, मैंने आलू साफ किए और अब मैं आलू काट रही हूँ। बारीक बारीक आलू काट लेने हैं। अब आलू और प्याज जो काटे हैं सारे मसालों को मिक्स कर लेने बेसन में ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और मैं काटे हैं बैंगन। बैंगन को 4 हिस्सों में काट लेना है ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह भर जाए। मैंने सारे बैंगन काट लिए इसी तरह। बैंगन में मसाला भर लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से तल लेना है। सारे बैंगन में इसी तरह मसाला भर लेना है और इनको अच्छी तरीके से तल लेना है हल्की आंच पे ताकि अंदर से मसाला पक जाए। अब इनको साथ साथ हिलाना है ताकि ये दोनों तरफ से एक जैसे पक जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बैंगन के पकौड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको निकालने लगी हूँ। और मेरा सिंपल देसी फूड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।